हिंदुस्तान कई महान रियासतों वाला देश था। यहाँ के राजा रजवाड़ों की विरासत को आज भी देखने लायक है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक महत्वपूर्ण रियासत थी। इस रियासत के बघेल शासकों और पूरे राजघराने की कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह आज भी रीवा किले के बघेला म्यूजियम में है। इन महत्वपूर्ण वस्तुओं में एक ऐसा बर्तन भी है जिसमें जहर रखते ही बर्तन का रंग बदल जाता था। बघेला म्यूजियम में भोजन का एक ऐसा पात्र मौजूद है जो अपने आप में विशेष है। यह महाराजा गुलाब सिंह की शादी में जोधपुर के राज परिवार की ओर से वर्ष 1919 में दिया गया था। यह पात्र सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे ऐसा कहा जाता है कि जिसमें यदि जहर मिलाकर भोजन परोसा जाए तो पात्र का रंग बदलने लगता था। इतिहासकार असद खान ने बताया कि उस जमाने में राजा महाराजाओं को खाने में जहर साजिश के तहत दिया जाता था, इसलिए ऐसा पात्र दिया गया था जो ऐसी साजिश को नाकाम करने वाला था। इतिहासकार असद खान के अनुसार वर्ष 1919 में रीवा रियासत के महाराजा गुलाब सिंह की शादी जोधपुर के महाराजा के पुत्री राजकुमारी सूरज कुमार के साथ हुई थी। उस दौर में राजा महाराजाओं और राजकुमारों को यह डर सताता था कि कोई उनके खाने में जहर न मिला दे, और इसलिए महाराजा उमेश सिंह जोधपुर ने अपने बहन और बहनोई को ऐसे बर्तन दिए थे जो पत्थर संगमरमर के बने हुए थे। उस पत्थर की खासियत ये है कि अगर उस पत्थर में कोई जहर मिला दे तो उस पात्र का रंग बदल जाता था। दरअसल इसकी कहानी पहले बतानी पड़ेगी। महाराजा गुलाब सिंह जुदेव जो रीवा महाराज थे, इनकी शादी 1919 में जोधपुर महाराज की पुत्री राजकुमारी सूरज कुमार के साथ हुई थी। 1919 में राजा महाराजाओं राजकुमारों को हमेशा ये डर सताता रहा है उनके बड़े परिजनों को, क्योंकि उस दौर में राजशाही के दौर में ये आम बात थी कि किसी को महाराज को जहर देके मार डालते थे, किसी राजकुमार या राजकुमारी को जहर देकर मार डालते थे। तो जोधपुर महाराज उमेश सिंह जी ने अपने बहन को और बहनोई के लिए ऐसे पात्र ऐसे बर्तन दिए जो पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन उस पत्थर की खासियत ये है कि अगर उसमें आप जहर डाल दें या जहर थोड़ा सा भी मिला दें, एक बूंद भी या उससे भी कम जहर अगर आप खाने में मिला दें, तो वो पात्र जो है उसमें लोटा है, गिलास है, प्लेट्स हैं, कटोरे हैं, बाउल हैं, ये सब चीजें हैं, तो उसमें वो पूरा काला स्याह पड़ जाएगा। तो डालते ही अगर उसमें खाना स्याह पड़ गया, इसका मतलब कि उसमें जहर भी लाया हुआ है। तो उनके बचत के लिए, उनकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए महाराजा गुलाब सिंह जुदेव को 1919 में उनके जीजा महाराजा उमेश सिंह जी ने दहेज में वो बर्तन दिए थे। वो बर्तन आज भी सही सलामत म्यूजियम में मौजूद है।